हम बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं, अपने आप को मैच्योर करते हैं और उसके बाद जब अच्छी तालीम भी हासिल कर लेते हैं, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वो कंज्यूम नहीं हो सकते, तो उनको बैरून मुल्क जाना पड़ता है। बैरून मुल्क जा के भी वो हमारे लिए एसेट है, इसलिए कि वहाँ भी किसी न किसी जगह वो काम कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, सीखते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों की एक्सपर्टी बहुत अच्छी डेवलप कर चुकी हो, वो इस मुल्क में वापस आएँ और वो पे बैक करें इस मुल्क में। ये इस कौम को उठाने के लिए अब हमें बहुत सारे ब्रेन इकट्ठे करके, बहुत सारे अच्छे इंटेलेक्चुअल लोगों को इकट्ठा करके, तो हमें अपनी पॉलिसीज़ को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। हमें अब अपनी, जब तक हम अपनी जो सिमत है उसको दुरुस्त नहीं करेंगे, हमारी तरक्की भी उस तरीके से नहीं हो सकेगी। चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो मेंटल हेल्थ है, या चाहे वो इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट होगा, कोई भी शोबा होगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके ब्रेन अच्छे यहाँ मौजूद हों, तो वो लोगों की भी गाइडेंस कर सकें और गवर्नमेंट की भी गाइडेंस कर सकें। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि एक ऐसा फोरम ज़रूर बनाए जिसमें जो बाहर से अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जो उनका वहाँ का वर्क एक्सपीरियंस है और एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उसको सामने रखते हुए उस फोरम से भी इनपुट्स ले और अपनी पॉलिसी जब डिवाइस करती है तो उस वक़्त वो उनको भी पेश नज़र रख सके, ताकि अच्छे गोल्स आप मुतय्यन करें। अचीव करने के लिए आपके लिए अच्छा मैप भी होना चाहिए कि हमने इन गोल्स को किस तरीके से अचीव करना है।